सो हे गाइस नमस्कार, मेरा नाम यानीश रॉय। तो यार कैसे आप सब लोग। सो गाइस मैं बात करूंगा आज बूटलेगर्स रोम के बारे में, जो कि भाई बहुत सालों पहले दो तीन साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। वो एंड्रॉइड 10 का था, एंड्रॉइड 11 में ये पूरा डेड हो चुका था एंड एंड्रॉइड 12 में फाइनली मुझे एक अनऑफिशियल बिल्ड देखने को मिला है। तो गाइस इसका ही रिव्यू करेंगे, गाइस बात करूंगा कि क्या कुछ इस अनऑफिशियल बिल्ड में देखने को मिलता है इस बूटलेगर्स रोम के बारे में। और भाई बूटलेगर्स जाना जाता है एक अच्छा परफॉर्मेंस, एक वेल बैलेंस्ड बैटरी एंड स्मूथ सा परफॉर्मेंस के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए, ठीक है। तो गाइस आज बात करूंगा कि क्या कुछ इस कस्टम रोम में देखने को मिलता है। ये एंड्रॉइड 12 एल पे बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या कुछ नए चीजें ऐड किए गए हैं एंड्रॉइड 12 में और भाई क्या कुछ फिक्सेस, क्या कुछ बग्स देखने को मिलते हैं, सब कुछ मैं जिस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और बात करूंगा कि क्या कुछ इसमें सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट और Geekbench स्कोर आया है, तो वो भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना और अगर चैनल पर नए तो चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही तगड़े वीडियोस में हमेशा लेके आते रहता हूँ। सो गाइस मेरा नाम अनीश रॉय, यू आर ऑलरेडी वॉचिंग टेक्नो प्रभु। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो गाइस इसको मैंने एक हफ्ता फुली टेस्ट किया, फुली यूज किया और मेरे टेस्ट के हिसाब से ये रोम जो है सबसे बेस्ट कस्टम रोम मैं बता सकता हूँ, क्योंकि भाई इसमें एज सच मिनिमल कोई बग्स देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एज सच कोई भी बग नोटिस नहीं हुआ है। हाँ एक दो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भाई ऐसे में कुछ मैटर नहीं करता, वो एक्चुअली कस्टमाइजेशन के लिए है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके होम स्क्रीन के लुक की। तो गाइस जैसे ही आप होम सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पे आपको लॉन्च चेयर देखने को मिलेगा, जो कि भाई यहाँ पे आप टर्न ऑफ कस्टमाइजेशन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। लॉन्च चेयर मतलब ही कस्टमाइजेशन है। तो गाइस यहाँ पे पिक्सल लॉन्चर देखने को नहीं मिलता, तो गाइस ये एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड ये लॉन्च चेयर जो है क्या फ्लॉलेसली काम कर रहा है भाई, इतना स्मूथ, ट्रस्ट मी गाइस यहाँ पे इतना स्मूथ ये काम कर रहा है। प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बाकी टोकल्स की, सब कुछ काम कर रहा है। यहाँ पे डार्क थीम के जैसे मैं स्विच करता हूँ वैसे ये इंस्टेंटली वर्क करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ वैसे ये काम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा देने वाला हूँ, तो यहाँ पे मतलब कोई भी ऐसे बग देखने को नहीं मिलता और एकदम ही सब कुछ इंस्टेंटली काम करता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हॉटस्पॉट की, सब कुछ इंस्टेंटली यहाँ पे ऑन हो जाता है। यहाँ पे अगर बात करूँ FPS ओवरले की, यहाँ पे FPS ओवरले भी आपको देखने को मिल जाता है। मतलब एक फुल्ली स्मूथ UI देखने को मिलता है इस बूटलेगर्स रोम में, फुल्ली यहाँ पे स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इस बूटलेगर रोम में अगर आप इसको यूज़ करते हो तो। यहाँ पे अगर हम बात करें ऐप्स वगैरह की, तो यहाँ पे आपको जो है ब्लोटवेयर्स के रूप में सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि ब्राउजर वगैरह, फिर यहाँ पे कैलेंडर, ये कैलकुलेटर वगैरह, ये सब को आपको देखने को मिलता है। कैलकुलेटर मिसिंग है, क्योंकि कैलकुलेटर यहाँ पे ये गूगल का सोर्स देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे मतलब गूगल के ऐप्स में सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर आपको देखने को मिलेगा, वो भी आपको अलग से फ्लैश करना पड़ेगा, तभी जाकर यहाँ पे जो प्ले स्टोर काम करेगा, अदरवाइज यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो आपको मैं रेकमेंड करूँगा आप NickGapps या फिर BitGapps को फ्लैश करके एक बार देख सकते हो। सो यार यहाँ पे मैं बात करूँ फाइल्स वगैरह की, तो यहाँ पे देख सकते हो मिक्स प्लोर भी देखने को मिल जाता है, जो कि भाई फाइल मैनेजर का काम कर रहा है। नोटिफाई जो कि भाई नोट्स लेगा, म्यूजिक वगैरह देखने को मिल जाता है और यहाँ पे बाकी सब कुछ यहाँ पे AOSP का देखने को मिलता है, ना ही यहाँ पे आपको गूगल का कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। सिर्फ कैलेंडर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और ये जो कैमरा है मैंने इंस्टॉल किया है, और कैमरा भी एकदम फ्लॉलेसली काम कर रहा है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। जैसे मैं इसमें टैप करता हूँ वैसे एक क्लिक कर दे रहा है और भाई बहुत ही एकदम मक्खन मार के एकदम फोटो वगैरह HDR से सब कुछ एकदम ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बाकी मोड्स वगैरह सब कुछ काम कर रहा है GCam का, ठीक है। अगर आपको GCam के रिगार्डिंग एक वीडियो चाहिए देन आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। चलते हैं इसके सेटिंग्स की, और सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है मिनिमल सा जैसे एंड्रॉइड 12 में लुक देखने को मिलता है हर एक कस्टमर में, सेम वैसे आपको इस रोम में भी देखने को मिलता है। लेकिन भाई यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बताने वाला वो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमाइजेशन बूटलेग डंपस्टर में आपको सब कुछ कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे चलते हैं स्टेटस बार की, और स्टेटस बार में जैसे जाओगे आपको यहाँ पे सब कुछ स्टेटस बार के रिगार्डिंग कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा, जो कि सब कुछ वर्किंग है, ठीक है। बैक चले जाते हैं, लॉक स्क्रीन की बात करें एक ही कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे एनिमेशंस की बात करें, एनिमेशंस में CRT फेड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जैसे इसमें आप ऑफ करोगे ना, एक एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगता है, ठीक है। बैक चले जाते हैं और यहाँ पे चलते हैं डिवाइस सेटिंग्स। डिवाइस सेटिंग्स में आपको Xiaomi पार्ट्स का सब कुछ यहाँ पे कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा। थर्मल प्रोफाइल्स भी देखने को मिलेगा, जो कि आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे क्लियर स्पीकर देखने को मिलेगा और यहाँ पे FPS ओवरले, डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन, ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें ऐप रिलेटेड ट्विक्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पर ऐप वॉल्यूम भी देखने को मिल जाता है, जो और बाकी कुछ यहाँ पे ऐड किया नहीं गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें बूटलेगर्स की, यहाँ पे देख सकते हो अबाउट बूटलेगर्स में जाके आप देख सकते हो कि भाई मेंटेनर वगैरह, को फाउंडर वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। थैंक यू लिस्ट, फिर यहाँ पे व्हाट इज बूटलेगर्स, यहाँ पे उन लोगों का स्पेशलिटी क्या है अपने रोम का, वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो गाइस अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ पे अभी पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा इसमें। बैक चले जाते हैं और यहाँ पे चलते हैं बैटरी की, और बैटरी में जाओगे तो यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज ऑन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बैक चले जाते हैं और यहाँ पे अगेन यहाँ पे जा सकते हैं डिस्प्ले की, और डिस्प्ले में जाओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। एम्बिएंट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, टैप टू वेक और स्क्रीन सेवर, ऑटो रोटेट स्क्रीन, कलर्स वगैरह, एडेप्टिव ब्राइटनेस वगैरह, और यहाँ पे नीचे फ्रंट साइज, डिस्प्ले साइज वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है इस रूम में। बैक चले जाते हैं और यहाँ पे चलते हैं सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी में जैसे जाओगे आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट अनलॉक देखने को मिल जाएगा,
ठीक है, और ऐप लॉक वगैरह भी इस रोम में देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, और फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ काम करा है, मैंने एक बार ट्राई किया है। बैक चले जाते हैं और चलते हैं लोकेशन की ओर, यहाँ पे लोकेशन वगैरह सब कुछ, यहाँ पे नॉर्मल प्राइवेसी वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। सिस्टम की ओर बात करें, यहाँ पे जेस्चर्स में चलते हैं और जेस्चर्स में आपको यहाँ पे ये सब कुछ देखने को मिल जाता है, क्विकली ओपन कैमरा काम कर रहा है। यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन की बात करें, ये सब कुछ मैंने टेस्ट किया, सब कुछ काम कर रहा है, वन हैंडेड मोड वगैरह काम कर रहा है। और यहाँ पे हम बात करें स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, ये भी काम कर रहा है, ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काम कर रहा है एकदम स्मूथली। और भाई यहाँ पे एज सच मुझे कोई भी बग्स वगैरह देखने को नहीं मिला। यहाँ पे एक बग मेरे को देखने को मिला, वो है यहाँ पे सेटिंग्स में, जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ, ये आप देख सकते हो स्टेटस बार में एडवांस क्लॉक एंड डेट ऑप्शंस में ये वाला क्रैश हो जाता है सेटिंग्स ऐप। इसको क्लोज ऐप करोगे तो यहाँ पे सेटिंग्स का फुल्ली ऐप क्रैश हो जाएगा। बाकी यहाँ पे वाईफाई वगैरह हॉटस्पॉट वगैरह सब कुछ काम कर रहा है, ब्लूटूथ ऑडियो भी काम कर रहा है, मैंने सब कुछ ट्राई किया है। ऐप्स में जाओगे यहाँ पे आपको जो है क्रोम वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये सब कुछ पहले से इंस्टॉल्ड नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ पे एक एक करके जो जो चाहिए इंस्टॉल कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे मैंने पोको M2 Pro में Android 13 इंस्टॉल कर रखा है, और Android 13 का Redmi Note 7 में मैंने पहले ही रिव्यू कर दिया है, आप जाके डेफिनेटली उसको आई बटन में जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने फुल प्रोसेस बताया है, फुल सब कुछ दिखाया दिया है कि Android 13 में सच नया क्या कुछ देखने को मिलता है, प्लस एक नया कस्टम रोम के बारे में मैंने रिव्यू करा है Redmi Note 7 में। तो गाइस डेफिनेटली एक बार देख सकते हो इस आई बटन में, ठीक है। यहाँ पे अगर चलते हैं इसके टेस्ट वगैरह की, मैंने टेस्ट वगैरह कौन सा किया है तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट को रन किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दो तीन बार रन किया एक्चुअली, ठीक है, वो दो वाला जो है रिजल्ट वो एक्चुअली में उड़ गया है। तो यहाँ पे मैंने फिर से और एक बार टेस्ट किया है, और यहाँ पे मैंने इसको फिर से आई मीन लेस देन 5 मिनट्स टेस्ट किया, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसका ग्राफ जो है कितना अच्छा स्टेबल आया है। और भाई तीनों बार ही मैंने जब जैसे ही टेस्ट किया ना, तो गाइस यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, यहाँ पे कोई भी थ्रोटल आपको देखने को नहीं मिलेगा इस रूम में, ठीक है। और भाई गेमिंग की बात करो तो भाई यहाँ पे BGMI गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो इसीलिए मैं वो खेल नहीं पाया। अगर आपके पास पहले से ही BGMI है देन आप डेफिनेटली उसके ऊपर ट्राई करके देख सकते हो, एकदम स्मूथ चलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा इस कस्टम रोम में, और ये एक फुल्ली परफॉर्मेंस पैक्ड कस्टम रोम है। यहाँ पे अगर आपको चार्जिंग का स्पीड कम देखने को मिल रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप एक बार मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार फास्ट बूट रोम को फ्लैश करो। अगर फास्ट बूट रोम को फ्लैश करना नहीं आ रहा है, आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो डाल रखा है, वहाँ पे जाके एक बार देख सकते हो कि भाई फास्ट बूट रोम को कैसे फ्लैश करना है, क्योंकि भाई बहुत टाइम क्या होता है कुछ फाइल्स इधर उधर हो जाता है कस्टम रोम फ्लैश करते करते, तो भाई दिक्कत हो जाता है, और कुछ कुछ रोम जो एकदम स्टेबल होती है अच्छे से नहीं दे पाता है। यहाँ पे मेरे टेस्टिंग में सब कुछ काम कर रहा है, और मैंने सब कुछ इस कस्टम रोम के बारे में बता दिया है। इसका जो बूट एनिमेशन है भाई एकदम ही स्वाद आ जाता है, इसका बूट एनिमेशन पर देख लो भाई कतई मक्खन। सो गाइस देख लिया इसका बूट एनिमेशन जो है, मैं इसके बूट एनिमेशन पे ही फिदा हूँ, इतना अच्छा खासा इसका बूट एनिमेशन देखने मिलता है, लगता ही नहीं कि भाई लगता है कि भाई एकदम ही फ़ोन ब्लास्ट ही हो जाएगा, लेकिन पहले पहले ऐसा आपको लगेगा, बाद में जब बूट होगा एकदम ही भाई खूबसूरत सा एक UI देखने को मिलेगा जो कि भाई एकदम स्मूथ देखने को मिलता है, ठीक है। सो गाइस ये था आज के इस वीडियो में, मैंने सब कुछ बता दिया है इस कस्टम रोम के बारे में, बूट लेकर रोम के बारे में। आप डेफिनेटली इसको फ्लैश कर सकते हो, ठीक है, एज अ डेली ड्राइवर यूज़ कर सकते हो, और गेमिंग के लिए भी सबसे बेस्ट है। बैटरी बैकअप भी आपको डिसेंट दे देगा, उतना अच्छा खासा बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि भाई ये एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक रोम है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप कर्नल वगैरह चेंज करते हो आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है, स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल सकता है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी आप एक्सपेक्ट मत करना ज़्यादा। तो गाइस ये था आज के इस वीडियो में, आप डेफिनेटली मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में जाकर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं हमेशा रिप्लाई वगैरह देता रहता हूँ। अगर आपको कोई भी कुछ पूछना है या फिर कुछ जानना है टेक के रिगार्डिंग, और अगर आपको वीडियो वगैरह देखना है टेक के रिगार्डिंग, डेफिनेटली आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं टेक्नो प्रोबो के नाम से हूँ, वहाँ पे भी मैं हमेशा अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। सो गाइस ये था आज के इस वीडियो में, मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।